टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रिलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रिलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न। IAS, PCS, UGC NET, CDS, NDA व CAPF आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं, भारतीय संविधान व राजव्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपने नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेजोन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त के अंत तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा। मंजूरी मिलने के बाद यह लगभग 5,000 भारतीय वॉलंटियर्स पर ट्रायल की शुरुआत करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में जानते हैं। वैक्सीन का नाम है AZD1222। वैक्सीन का औपचारिक नाम है CHAD-OX1N-CoV-9। वैक्सीन का प्रकार है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। यह वैक्सीन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। COVID-19 SARS-CoV-2 नामक वायरस से होता है। शरीर में इस वायरस के फैलने का मुख्य कारण है इस वायरस के सतह पर स्पाइक होना। इन स्पाइक को स्पाइक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। स्पाइक के कारण वायरस आसानी से शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। यह वैक्सीन इस स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध शरीर की इम्यूनिटी को विकसित करती है। इस वैक्सीन का मकसद एंटीबॉडी विकसित करना है ताकि वायरस कोशिकाओं में प्रवेश न कर सके। इस वैक्सीन में एडेनो वायरस का उपयोग किया जाता है। स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए इस वायरस में एक कोड रहता है। यह वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करेगा और केवल स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए कोड को जारी करेगा। रिसर्चर्स का अनुमान है कि शरीर का इम्यून सिस्टम इस स्पाइक प्रोटीन को बाहरी हानिकारक पदार्थ के रूप में पहचान करेगा और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, और जब एक बार शरीर में इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी तो फिर जब असली वायरस शरीर को संक्रमित करने की कोशिश करेगा तो पहले से ही विकसित एंटीबॉडी असली वायरस पर अटैक कर देगी। अब एडेनो वायरस क्या है? एडेनो वायरस कॉमन कोल्ड वायरस का एक कमजोर वर्जन है जो चिंपैंजी को संक्रमित करता है। यह इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है कि यह मानव में अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकता। कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन की दौड़ में फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही सबसे आगे है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। वैक्सीन तैयार हो जाने पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेगी। 1966 में स्थापित की गई यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। AZD1222 वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है। यह नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर प्रकार की वैक्सीन है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो।
सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।